सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स क्लास इलेवन रिलेटेड टू यूनिट्स इन फर्स्ट वीडियो आई टीच यू समिफिशन रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको वैल्यूम ऑफ क्यूब मीटर क्यूब में बताना है तो पहले ही डिफिनीसन लिखवा दिया गया था यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं वन सेंटीमीटर इज्कल टू वन अपन हंड्रेड मीटर यू नो एंड ऑफ द क्यूब साइड क्यूब वन अपन हंड्रेड इंटू वन ऑफ आन हंड्रेड इंटू वन अपन हंड्रेड मीटर क्यूब टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर क्यूब निमिर कला फिजिक्स कुछ लोग बहुत इसको कठिन कहते हैं लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है अगर आपकी बेसिक फैक्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लगा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड हाइट हंड्रेड सेंटीमीटर अब अगर आपको सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सर्फेस एरिया टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच क्लास नाइन टेन में पढ़ चुके हैं आप यूनिट चेंज कर लीजिए ट्वेंटी सेंटीमीटर इजक्ल टू मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए एंड टेन सेंटीमीटर इक्वल टू हंड्रेड मिलीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए टेन टू टू फिफ्टीन इंटू टेन टू पावर फोर मिलीमीटर स्क्वायर द सर्फेस से आप साले सेंडर आप रेडियस तीस सेंटीमीटर एंड हाइट टेन सेंटीमीटर इक्वल टू फिफ्टीन इंटू टेन पे पावर फोर मिलीमीटर स्क्वायर इसी तरह से वहीकल्स मूविंग विथ स्पीड ऑफ एटीन किलोमीटर पर आवर इट कवर मीटर इन वन सेकेंड इट मीन्स आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए टाइम वन सेकेंड है स्पीड दिया है एक किलोमीटर इक्वल टू एक हज़ार मीटर होता है और एक वन आवर इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड यूजिंग फार्मूला स्पीड इस इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फाइव मीटर इन वन सेकेंड आप इस चीज को तो हम लोग नाइन टेन क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदला जाता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लेड इज एलेवन पॉइंट थ्री

और किलोग्राम में वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है फिल इन द ब्लैंक्स फिर उसी तरह से है आपको डायमेंशन का यूज करके यूनिट का यूज करके करना है थोड़ा सा आपको ऐसा करना है कि ये क्लास इलेवन का निमेट कर लगे अदरवाइज़ आप छोटे क्लास के फार्मूले से भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है जैसे वन किलोग्राम इजक्वल टू टेन पे पावर थ्री ग्राम वन थाउजेंड को टेन पे पावर थ्री नोट कर दिया गया है वन मीटर स्क्वायर टेन पे पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्योंकि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर फिर एक सेंटीमीटर एक मीटर स्क्वायर में हंड्रेड इंटू हंड्रेड टेन पे पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे बी में है डिस्टेंस इजक्ल टू होता है स्पीड इंटू टाइम स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन पे पावर एट मीटर पर सेकेंड टाइम वन ईयर यल वाई जो क्वेश्चन में दिया है एल वाई को हम लोग लाइट ईयर पढ़ते हैं तो ट्वेंटी वन ईयर में कितने सेकेंड होते हैं पहले वो निकाल लीजिए थ्री सिक्सटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेकेंड वन लाइट ईयर डिस्टेंस सब मल्टीप्लाई करवा क्या गया नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन पे पावर सिक्सटीन मीटर तो वन लाइट ईयर इक्वल टू तो नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पे पावर फिफ्टीन मीटर अब क्वेश्चन है वन मीटर इज्कल टू हाउ मेनी लाइट ईयर तो अपोजिट कर दिए वन मीटर इजक्ल टू वन अपान नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू पावर फिफ्टीन तो इक्वल हो गया वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्सटीन लाइट ईयर किसी भी चीज़ को आप उल्टा करके बदल सकते हैं जैसे मान लो कहा गया एक किलोमीटर इज्क्ल टू वन थाउजेंड मीटर देन वन मीटर तो आप ही में सोचिए कि वन मीटर में एक किलोमीटर होता है कि नहीं होता वन अपान थाउजेंड किलोमीटर तो उसी तरह से अगर एक लाइट ईयर नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पे पावर फिफ्टीन मीटर के बराबर है तो एक मीटर हो जाएगा वन अपन नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पे पावर फिफ्टीन राइट ईयर डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा सिमिलरली यू कैन डू आल न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए फार्मूला लर्न होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट आर एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट फोर पॉइंट जूल एंड वन जूल इज इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले से पता होना चाहिए तो मास के जगह पर अल्फा के लेना है लेंथ के जगह बीटा मीटर लेना है और टाइम के जगह गामा सेकंड लेना है तो इसका नया यूनिट या नई वैल्यू क्या तैयार होगी वो आपको निकालना है तो नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है आप उसकी वैल्यू रखते जाइए जैसे जैसे वो कह रहे हैं जैसे वन किलोग्राम इक्वल टू वन अपान एल्फा न्यू यूनिट ऑफ मास हो जाएगा वन मीटर इक्वल टू बीटा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ लेंथ और वन सेकेंड इक्वल टू गामा इनवर्स वन अपान गामा को गामा इनवर्स लिख दिए हैं और सारी वैल्यू रख दी गई है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूज इन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम यूनिटी एक नया यूनिट ऐसा माना गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको एक माना जाए यूनिटी मतलब वन तो इस व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म ऑफ द न्यू यूनिट एट मिनट ट्वेंटी सेकेंड डिस्टेंस ले रहा है तो हमें पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इन टू टाइम स्पीड ऑफ लाइट को वन यूनिट माना गया है और टाइम को सेकेंड में बदलनी है तो एट हंड्रेड ट्वेंटी मिनट फाइव हंड्रेड सेकेंड के बराबर है तो so डिस्टेंस हो गया वन इन 500 फाइव हंड्रेड इजक्वल टू फाइव हंड्रेड यूनिट इफ बर्नियर कैलिपर्स लिपर्स विथ ट्वेंटी डिविजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल किस चीज का विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीसियस डिवाइस मेजरिंग लेंथ तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जिस डिवाइस का लिस्ट काउंट सबसे कम होगा फिजिकल फिजिक्स की दृष्टि से वो सबसे अच्छा मेजरिंग डिवाइस माना जाएगा उसके लिए आपको हर डिवाइस का लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो फार्मूला याद होना चाहिए हमने अपने पहले वीडियो में इस चीज़ को बता दिया है तीनों चीज़ों का लिस्ट काउंट निकाल लिया वन इले परस का लिस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव सेंटीमीटर आया है स्क्रू इसक्रूग्रेस का 0.001 सेंटीमीटर आया है और वेवलेंथ ऑफ लाइट 0.00001 सेंटीमीटर आया है और जैसा कि हमें पता है सी ऑप्शन का लिस्ट काउंट सबसे कम है हेंस इट बी इनफ्रेट दैट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल डिवाइस टू मेजर लेंथ जिस भी चीज़ का लिस्ट काउंट सबसे कम आता है वो सुटेबल डिवाइस है मैगनीफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोप हंड्रेड दिया हुआ है अगर माइक्रोस्कोप से देखने पर थ्री पॉइंट फाइव मिलीमीटर का दिखाई पड़ता है तो उसकी एक्चुअल थिकनेस निकालने के लिए हंड्रेड से डिवाइड कर दिए जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव वेरी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टेट द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ़ द फॉलोइंग जैसे जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन मीटर स्क्वायर में केवल एक सेवन ही सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा तो वन है टू पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन पे पावर ट्वेंटी फोर टेन पे पावर से वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं माने जाते हैं तो हमको केवल टू पॉइंट सिक्स फोर जिसमें तीन है तो आंसर हो गया इसी तरह से ज़ीरो पॉइंट टू थ्री सेवन जीरो में फोर हो गए अगर राइट right साइड में जीरो है तो सिग्निफिकेंट वैल्यू में जोड़ा जाता है लेफ्ट साइड में है तो नहीं जोड़ा जा, जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर यफ़ में देखिए जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स जीरो थ्री फोर तो इसमें केवल सिक्स जीरो थ्री फोर को ही फोर सिग्निफिकेंट वैल्यू कैलकुलेट किया गया है इधर लेफ्ट साइड के तीनों को नहीं लिया गया है जबकि वहीं डी में सिक्स पॉइंट थ्री टू जीरो में राइट साइड वाले जीरो को सिग्निफिकेंट वैल्यू माना जाता है लेंथ ब्रेथ थिकनेस दिया है तो एरिया निकाल लीजिए आप लोग आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा द मास ऑफ ए बाक्स मेजर्ड बाई ए ग्रोसरी बैलेंस इज ट्वेंटी हंड्रेड किलोग्राम टू गोल्ड पीस ऑफ मास दिस एंड दिस ग्राम एडेड टू बॉक्स वाट विद द टोटल मास ऑफ द बॉक्स डिफरेंस ऑफ द पीसेस तो आपको सबसे पहले ये समझना है इस क्वेश्चन में कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या माइनस करने के लिए उनके यूनिट इक्वल होने चाहिए जैसे एक चीज़ अगर किलोग्राम में है दूसरा ग्राम में है तो पहले किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके तभी प्लस माइनस करेंगे और दूसरी चीज़ किसी भी क्वांटिटी को जोड़ने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के प्लस करना पड़ता है जो छोटे क्लास में बताया गया है थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए आपको इस तरह के यूज़फुल वीडियो मिलते रहेंगे